नमस्ते दोस्तों, आज हम आलू के पापड़ बनाएंगे। सावधानी आपको ये रखनी है, आलू छील करके बॉयल करें, पानी बहुत थोड़ा डालें। 2 किलो आलू है तो 1 कटोरी पानी पर्याप्त है, और जाली के ऊपर ही आलू रखें। चलिए पापड़ बनाना शुरू करते हैं। होली स्पेशल आलू के पापड़ बनाने के लिए हमने ये 1.25 किलो आलू लिया है। 1 किलो से आलू मेरा थोड़ा ज़्यादा है। आलू को धुल करके छील लिया गया है। उसके बाद इसको 4-5 पानी से फिर से हम वॉश कर दिए हैं। आपको G4 आलू लेना है, इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद होता है और थोड़ा सा ये आलू कड़ा भी होता है। इसका पापड़ और चिप्स बहुत अच्छा बनता है। हम अपने कुकर की तरफ चलते हैं। कुकर में हमने 1 कटोरी पानी रखा है। पानी आपको दिखा देते हैं, इतना पानी है। और ये हम जाली रख दिए हैं। इसी जाली के ऊपर हम आलू रख देंगे। जाली रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारे आलुओं में सीधे पानी न लगे। 5 सीटी तक कम से कम इसको हम 5 सीटी आने देंगे, कुकर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद कुकर ठंडा हो जाएगा जब हमारा, फिर आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। एक आलू निकाल के हम देखते हैं, आलू हमारा अच्छी तरह से हो गया है। हम अपने मसाले की तरफ आते हैं। ये हमारी सील है, इसी पे आलू हम पीसेंगे। ये 5-6 लाल मिर्च है और 20-25 दाने काली मिर्च है। 1 चम्मच जीरा है। सबसे पहले हम इसको पीस लेंगे। जीरा मिर्च और काली मिर्च इसको हमने पीस लिया है। इसी में हम नमक भी पीसेंगे। दोस्तों, जब आप नमक के साथ मिर्च को पीसते हैं तो ये और अच्छे से महीन हो जाएगी। सभी चीज़ों को मिला के इस तरह से हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। इसको हम उठा लेंगे पाउडर जो हमने बनाया है, और हम सील पर आलू आपको पीस के दिखाते हैं। सबसे पहले हम सील पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और नोड़ी की सहायता से इसको चारों तरफ फैला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच। अब इसमें हम एक एक आलू ऐसे रख के इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से आलू बहुत ही महीन होता है और पापड़ बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे ही हम सभी आलू अपने पीस लेंगे। इस तरह से सभी आलू हमने सील पर पीस लिया है। थोड़ा सा हाथ में हम ऑयल लगाएंगे। आप सरसों का तेल, रिफाइंड कुछ भी लगा सकते हैं। और जो ये हमने पीसा था, नमक, जीरा, मिर्चा, काली मिर्च, इसको हम डालेंगे। पूरा हम नहीं डालेंगे, पहले टेस्ट कर लेंगे। यदि हमें कम लगेगा तो इतना और ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं आलू जो छील के हमने उबाला, आलू कितना सॉफ्ट हुआ है। यदि आप सील पे नहीं पीसना चाहते हैं तो आलू इस तरह से छील करके नीचे जाली रखें, और ज़्यादा आलू ना उबालें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो, 1.5 किलो तक आलू, या 2 किलो भी उबाल सकते हैं। जाली रखना बहुत ज़रूरी है कुकर के नीचे, जिससे पानी के टच में सीधे आलू ना रहे। और आलू बॉयल करके आप मैशर की सहायता से भी बढ़िया सा मैश कर सकते हैं। हम आलू को टेस्ट कर लेंगे, नमक कम लगेगा तो और ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डो हमारा बनकर के तैयार हुआ है आलू का। अब हाथ में हम आयल लगा लेंगे और इसमें से अपने मनपसंद आकार की हम इस तरह से गोली बना लेंगे। कितना सॉफ्ट और कितना चिकना लग रहा है देखने में। ऐसी गोली बना के हम रख लेंगे। हम आपको 2 पापड़ बना के दिखाते हैं। उसी तरह से सारा पापड़ बना के हम धूप में डालेंगे। आलू का पापड़ जब भी आप बनाएं तो पन्नी का इस्तेमाल करें। वाइट कलर की मोटी पन्नी लें, कलरफुल पन्नी में पापड़ ना डालें। आप चाहें तो रात में भी बना सकते हैं। पापड़ बना के पंखे के नीचे डाल दें, पंखा फुल कर दें, और उसके बाद मॉर्निंग में पापड़ को आप धूप दिखाएं, वो भी पापड़ अच्छा बनता है। लेकिन हम पापड़ को
दोपहर में बना रहे हैं। ये पापड़ बनाने वाली हमारी मशीन है, इसी से हम बनाएंगे। यदि आपके पास मशीन न हो तो आप पापड़ को चकले से भी बना सकते हैं दबा करके। पन्नी जब भी लें पापड़ बनाने के लिए तो इस तरह से मोटी पन्नी का इस्तेमाल करें, पतली पन्नी से पापड़ अच्छा नहीं बनता है। थोड़ा सा हम इधर भी लगा देंगे ऑयल, से ग्रीस कर देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे हम, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पापड़ हमारा गोल बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सभी पापड़ बना करके धूप में डाल देंगे। सभी पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। फोल्डिंग पर हमने मोटी पन्नी बिछा ली है और उसी पर हमने पापड़ बनाया है। पापड़ पूरी तरह से धूप में सूख रहे हैं। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों, पापड़ हमारा बन करके तैयार है, कंप्लीट सूख गया है अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कितना पतला पापड़ है, उंगलियां भी झलक रही हैं पापड़ से। इतने पतले ही पापड़ आप आलू के बनाएं, पतले पापड़ बहुत क्रिस्पी होते हैं। ये थोड़ा सा पापड़ हमने छान के भी रखा है आपको दिखाने के लिए। देख सकते हैं कितना अच्छा पापड़, आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। इस तरह से आप आलू के पापड़ होली पर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।